अपना आपा खो चुकी है नायरा, कार्तिक भी है बेचैन। आखिर खुल गया है एक बड़ा राज, अक्षरा का कातिल कौन? वो राज, वो सच अब नायरा जान चुकी है। नायरा को पता चल चुका है कि उसके पति कार्तिक की बहन यानी उसकी ननद मानसी ही अक्षरा की गुनहगार है। फिर क्या था, भाभी माँ के पैरों पे गिर पड़ी है मानसी की माँ सुरेखा, मांग रही है माफी की भीख। मेरी बच्ची को बचा लीजिए, उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया भाभी माँ, प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ भाभी माँ, प्लीज बचा लीजिए। लेकिन जब बात माँ पे आती है तो फिर लगता है कि जैसे हो जाए वैसे बचा लें बस अपने बच्चे को। कार्तिक ने भी मांगी माफी, पूरा गोयन का परिवार सिंघानियाज की दहलीज पर माफी की भीख मांग रहा है। आपके गुनहगार आपके सामने है, जो चाहे सजा दे दीजिए मंजू। बदल गया है वक्त, बदल रहे हैं रिश्ते, और कार्तिक नायरा की मोहब्बत का सबसे बड़ा इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। बहुत प्रॉब्लम्स हो चुकी है, जैसे नायरा को पता चल चुका है कि उनकी मॉम का जो एक्सीडेंट वो कार्तिक के बहन से हुआ है, सारी चीज़ें खुल चुकी है। ऑब्वियसली अभी पता नहीं है रिश्ता क्या कहलाएगा, पता नहीं है रिश्ता क्या कहलाएगा, क्योंकि काफ़ी डिफरेंसेस आने वाले हैं, काफ़ी आपको उदासी नाराज़गी सब कुछ दिखने वाली है। सो ये नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि रिश्ता क्या कहलाए। सुरेखा को नायरा से है माफ़ी की आस। देखिए भूलेंगे तो कोई भी नहीं, माफ़ करने वाली बात है तो शायद माफ़ कर दें, और शायद मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर कोई माफ़ करेगा या हमारा सपोर्ट करेगा वो है नायरा। नायरा हम लोग का साथ ज़रूर देगी, मुझे पूरी उम्मीद है। मुझे पता है कि वो कई बार हम लोगों से कई बातें सुन चुकी है, हमारे तौर तरीक़ों के हिसाब से कई चीज़ें हो चुकी हैं, बट आई नो कि कहीं ना कहीं वो एक ऐसी शख्स है हमारी फैमिली में कि वो इन सब चीज़ों को समझेगी और हमारा साथ देगी। लेकिन नायरा ने अपने हाथों से अपने मोहब्बत के आशियाने से अपना नाम हटा लिया है। सदमे में है वो, सदमे में है पूरा परिवार। लाख टके का सवाल ये कि आखिर अब होगा क्या। अभी तो कार्तिक और नायरा की घर वापसी की तैयारी थी, और अभी अभी ये तूफान। आगे कहानी में एक बड़ा ड्रामा कर रहा है आपका इंतजार। मुंबई से स्नेहा शर्मा मिश्रा और निशि मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।